दोस्तों, लक्ष्मण के मरने की खबर सुनते ही आखिर क्यों जोर जोर से हंसने लगी उर्मिला। उर्मिला के हंसने का आखिर क्या था रहस्य, तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखेगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण काल में भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास तय हुआ था। उनकी पत्नी माता सीता ने सहज ही वनवास को जाने के लिए स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण भी भला कैसे श्री राम से दूर हो जाते हैं। लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा से आज्ञा ली और उसके बाद वो अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे, परंतु मन में ये सोचते हुए जा रहे थे कि माता से तो आशीर्वाद ले लिया, पर उर्मिला से मैं क्या आज्ञा लूंगा, मैं उसे कैसे समझाऊंगा, मैं उससे क्या कहूंगा। यदि बिना बताए जाऊंगा तो वो रो रोकर अपने प्राण त्याग देगी और यदि बताया तो साथ जाने की जिद करेगी और कहेगी कि माता सीता भी तो अपने पति के साथ जा रही हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। अब यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपनी पत्नी के कक्ष की ओर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी उर्मिला जी आरती की थाल लेकर बाहर उनका इंतजार कर रही थी। अब जब लक्ष्मण जी उनके पास पहुंचे तो उर्मिला बोली, आप व्यर्थ की मेरी चिंता छोड़ दीजिए, आप अपने बड़े भाई की सेवा कर रहे हैं जो कि सबसे बड़ा धर्म है, आपकी सेवा में कोई भी बाधा नहीं आए, इसलिए मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूंगी। अब लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही सारा संकोच स्वयं उनकी पत्नी उर्मिला जी ने दूर कर दिया। अब वास्तव में यही पत्नी का धर्म है, पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात को जानकर उसके संकोच से उसे बाहर निकाल ले। अब अपनी पत्नी उर्मिला का इतना प्रेम देखकर लक्ष्मण जी की आंखें भर आईं और उन्होंने उर्मिला जी को अपने गले से लगा लिया। अब इसी के साथ वहां पर उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की कि मेरे नाथ के सांसों को कभी भी बुझने मत देना। अब लक्ष्मण जी वहां से चले गए, परंतु 14 वर्षों तक उर्मिला एक तपस्वी की तरह कठोर तप कर रही थी और वो कठोर तप था नींद। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे संभव है, तो दरअसल वनवास के समय लक्ष्मण जी हमेशा अपने भाई श्री राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते थे। अब इसके लिए लक्ष्मण जी ने नींद की देवी यानी कि निंद्रा देवी से वरदान मांगा कि पूरे वनवास के 14 वर्षों तक उन्हें नींद ना आए, ताकि वो सुबह दोपहर रात हर समय अपने भ्राता और साथ ही माता की सेवा कर सके और उन्हें बुरे खतरों से बचा सके। अब नींद की देवी ने लक्ष्मण जी की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि लक्ष्मण जी के बदले उनके किसी चाहने वाले को 14 वर्षों तक सोना होगा। अब कहते हैं यह कार्यभार स्वयं उनकी पत्नी उर्मिला ने संभाला। 14 वर्षों तक उर्मिला सोती रही, उन्हीं की बदौलत कभी भी लक्ष्मण जी सोए नहीं। उर्मिला ने जहां एक तरफ दीपक की लौ जलाए रखी तो वहीं दूसरी तरफ गहरी नींद लेती गई। अब कहते हैं लक्ष्मण जी और मेघनाथ का जब युद्ध हुआ था तब उस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, जिस वजह से उर्मिला राज्य भवन में जाग गई थी। अब वो प्रसंग तो आप सब जानते ही होंगे जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए थे और उधर से जब पहाड़ लेकर लौट रहे थे तो बीच में उन्हें अयोध्या के ऊपर से गुजरना पड़ा। अब भरत जी ने राक्षस समझकर उन पर बाण मार दिया और हनुमान जी नीचे गिर गए। अब जब उनको होश आया तो होश आने पर हनुमान जी ने भरत जी को सारी कहानी बताई कि किस तरह
रावण पुत्र मेघनाथ ने बाणों से लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया है। अब इसलिए लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं और उनके लिए संजीवनी बूटी स्वयं हनुमान जी लेने गए थे। अब जहां एक तरफ लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो वहीं दूसरी तरफ उर्मिला नींद से उठ खड़ी हुई। अब बाद में उनकी भेंट स्वयं हनुमान जी से भी हुई थी, लेकिन एक तरफ जहां माता कौशल्या ने यह सब सुना तो उन्होंने कहा कि हे हनुमान, राम से कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना। अब तब ये बात माता सुमित्रा ने भी सुनी तो उन्होंने कहा, हे हनुमान, राम से कहना अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, मैं उसे भी वन में भेज दूंगी। ये मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। अब माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में भी आंसू झलक रहे थे, परंतु अब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो वो सोचने लगे कि आखिर ये स्त्री क्यों इतना शांत और प्रसन्न खड़ी है, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है। वास्तव में जब उर्मिला जी ने सुना कि उनके पति के प्राण संकट में हैं, तो वो खड़ी होकर हनुमान जी को देखने लगी। अब जब हनुमान जी ने पूछा कि आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है, आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। अब इस पर उर्मिला जी ने कहा, हे हनुमान, मुझे भला किस बात की चिंता, आखिर मैं क्यों चिंता करूं, मेरा दीपक अभी भी संकट में नहीं है, तो भला मेरे पति संकट में कैसे हो सकते हैं। जब तक मेरा दीपक बुझेगा नहीं तब तक मेरे पति के प्राण भी नहीं हरेंगे। और वो हंसते हंसते वहां से चली गई। अब इसके बाद हनुमान जी स्वयं संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर जब वापस लंका पहुंचे तब लक्ष्मण जी के प्राण वापस आए और उसके बाद अपने आप ही उर्मिला जी भी राज्य भवन में जाकर सो गई, क्योंकि यह वही वरदान था जो अपना कार्य कर रहा था। अब रावण का वध करने के बाद जब वापस से भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या आए तब उन्होंने कई वर्षों तक अयोध्या में राज्य किया, लेकिन एक समय उपरांत अचानक ही अयोध्या में काल आ गया, यानी कि काल के देवता। अब उन्होंने श्री राम से वंदना की कि कृपया करके हमें खाली स्थान पर आपस में वार्तालाप करना होगा और इस वार्तालाप को कोई अन्य प्राणी ना सुन पाए, अगर कोई सुनेगा तो आपको उसके प्राण लेने होंगे। अब ऐसे में श्री राम और काल देवता आपस में वार्तालाप करने लगे और उन्होंने बाहर पहरेदारी के लिए खड़ा कर दिया स्वयं लक्ष्मण जी को। अब तभी उस समय वहां पर दुर्वासा ऋषि आए और वो भगवान श्री राम से मिलना चाहते थे। अब लक्ष्मण जी ने बहुत मना किया, तब दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर कहा कि अगर वह जल्द ही श्री राम से नहीं मिले तो आप पूरी की पूरी अयोध्या और उनके वंश को श्राप दे देंगे। अब ऐसे में डर के कारण लक्ष्मण जी स्वयं उस कक्ष में प्रवेश कर गए जहां पर उन्होंने देखा कि वो काल के देवता ही थे जो श्री राम से बात कर रहे थे और वो अपने आप ही वहां से गायब हो गए, जिसके बाद भगवान श्री राम को ना चाहते हुए भी अपने भाई यानी लक्ष्मण जी को राज्य से निष्कासित करना पड़ा। और राज्य से निष्कासित करना यानी कि अपना ध्येय त्यागना। अब ऐसे में स्वयं लक्ष्मण जी ने जल्द ही राज्य को छोड़कर अपना ध्येय त्याग दिया। अब जब यह बात स्वयं उर्मिला जी को पता चली तब वो भी जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, मेरे पति ने सदैव धर्म का पालन किया है, अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री राम को हमेशा ही उन्होंने पूज्य किया, उनकी सेवा की, माता सीता की भी सेवा की और आज अयोध्या वासियों को और हमारे वंश को बचाने के लिए उन्होंने अपने ऊपर एक सबसे बड़ा दोष ग्रहण किया
और अपना ध्येय त्याग दिया। ये तो मेरे पति ने स्वयं धर्म का पालन किया है। और ऐसे जोर जोर से हंसते हंसते उर्मिला जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट टू चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट टू जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।